स्वागत है आपका सीटीडी न्यूज़ में। रालोद प्रमुख अजीत सिंह का कोरोना संक्रमण के चलते गुरुवार सुबह गुरुग्राम के निजी अस्पताल में निधन हो गया। 86 वर्षीय अजीत सिंह कोरोना संक्रमित थे और बीते दो दिनों से उनकी हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही थी। बुधवार को डॉक्टर्स ने बताया था कि फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के कारण उनकी स्थिति गंभीर हो गई थी। चौधरी अजीत सिंह का पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे थे और उनकी पैतृक सीट बागपत से 7 बार संसद रहे थे। अजीत सिंह केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे थे। अजीत सिंह की गिनती देश के बड़े जाट नेताओं में होती है और पश्चिमी यूपी में उनकी खास पकड़ मानी जाती है। बता दें कि यूपी में हुए पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने शानदार वापसी की है। अब तक घोषित परिणामों के अनुसार मेरठ में जिला पंचायत में रालोद ने 8 सीटें हासिल की है, जबकि सपा और बीजेपी को 6-6 सीटें मिली है। मुजफ्फरनगर में पार्टी को 4 सीटें मिली, जबकि आज़ाद समाज पार्टी को 6 सीटें मिली है। यहां बीजेपी ने 13 और बसपा ने 3 सीटें जीती हैं। उधर शामली में रालोद ने 19 में से 6 सीटें और बुलंदशहर में 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। रालोद ने अलीगढ़ में 10, मथुरा में 8 और बागपत में 9 सीटें जीती हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और बिजनौर में रालोद ने अच्छा प्रदर्शन किया है। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें सीटीडी न्यूज़। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।